हाय एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है यूजीसी नेट समाज कार्य यूनिट नंबर 9 पर। और यूनिट नंबर 9 में समाज कार्य का जो क्षेत्र अभ्यास है इसके अंतर्गत मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। जैसा कि चिकित्सकीय और मनोचिकित्सकीय समाज कार्य हो चुका है और मानसिक स्वास्थ्य एवं रोग के संबंध में भी मैंने आप लोगों से बात कर चुका हूँ और जरड़ और रोग के संबंध में भी बात हो चुकी है। दिव्यांग व्यक्ति और लिंग और विकास पर भी बातचीत हो चुकी है। साथ ही साथ जो श्रम कल्याण और मानव संसाधन प्रबंधन है इन पर भी मैंने आप लोगों से बातचीत कर चुका हूँ। आज ये हमारा लास्ट पॉइंट है, एक कार्मिक प्रबंधन, हम इसी पर बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 9 और ये आज आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक प्रबंधन में क्या भूमिका होती है, तो आप सबको अच्छे तरीके से मालूम है कार्मिक प्रबंधन की जब प्रक्रिया संचालित होती है तो जो कार्मिक प्रबंधन होते हैं, जहाँ पे कर्मिया विभाग का प्रमुख माना जाता है, तो वह प्रबंधक के प्रबंधकीय और संचालन कार्य दोनों पर हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर कार्मिक प्रबंधन यानी काम करने वाला व्यक्ति, जो कार्मिक शब्द है यहाँ पे, इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए आप सभी लोग। जो यहाँ पे कार्मिक शब्द दिया गया है, ये कार्मिक का मतलब होता है काम करने वाला व्यक्ति। और इसी के अंतर्गत कार्मिक प्रबंधन एक संगठनात्मक, व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्यों में योगदान देने के उद्देश्य से लोगों की योजना, आयोजन, मुआवजा, एकीकरण और रखरखाव की जो प्रक्रिया होती है वही कार्मिक प्रबंधन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, कार्मिक प्रबंधन यानी कर्मचारियों की भर्ती और विकास करने का एक प्रशासनिक अनुशासन है। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्मिक प्रबंधन क्या है, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि कर्मचारियों की भर्ती और विकास करने का एक प्रशासनिक अनुशासन है, ताकि वे संगठन के लिए अधिक मूल्यवान हो जाए। तो कार्मिक के अर्थों में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो इसका जो एम होता है, जो उद्देश्य होता है, एक तो ये होता है कि नौकरी का विश्लेषण करना, एक उद्देश्य तो ये बनता है। दूसरा अगर हम बात करें तो नियोजन, कर्मियों की जरूरतों और भर्ती पर बातचीत करना। तीसरा आपका यहाँ पे बनता है नौकरी के लिए सही लोगों का चयन करना। चौथा उद्देश्य बनता है कि उन्मुख और प्रतिरक्षण को लेकर, जिसको हम प्रशिक्षण से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी उन्मुख और प्रशिक्षण की बात। मजदूरी और वेतन निर्धारित करना और उसका प्रबंधन करना। लाभ और प्रोत्साहन प्रदान करना और मूल्यांकन का प्रदर्शन। साथ ही साथ विवादों को हल करना, सभी स्तर पर सभी कर्मचारियों के साथ जब संवाद करने की बात आती है तो वही कार्मिक प्रबंधन कहलाता है। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, कई संगठनों में एक या एक से अधिक लोग जो संगठन के भीतर सभी के कल्याण और प्रदर्शन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, तो कार्यक्रमों की देखरेख और नीतियों को सेट करने का या एक कार्य जो संगठन से जुड़े सभी लोगों को प्रभावित करता है, तो कार्मिक प्रबंधन के रूप में संदर्भित किया भी जा सकता है। इसे कभी कभी मानव संसाधन प्रबंधन के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। तो कार्मिक प्रबंधन को एक संतुष्ट कार्यबल प्राप्त करने, उपयोग करने और बनाए रखने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह कर्मचारियों के काम पर और संगठन के भीतर उनके रिश्तों के साथ संबंधित जो प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है वही कार्मिक प्रबंधन कहलाता है। अगर आप लोगों से कोई व्यक्ति पूछता है कार्मिक प्रबंधन का मीनिंग, तो आप बताइएगा कार्मिक प्रबंधन यानी प्रबंधन का कर्मचारी का कार्य, जिसे मानव संसाधन प्रबंधन भी कहा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। और कार्मिक प्रबंधन मानव कारकों के उचित उपयोग से संबंधित है। कार्मिक प्रबंधन को प्रबंधन प्रक्रिया के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मुख्य रूप से किसी संगठन के मानव घटक से संबंधित होता है, वही कार्मिक प्रबंधन कहलाता है। तो ये मीनिंग है एक प्रकार के कार्मिक प्रबंधन के अर्थ बताया जा रहा है, ठीक। आगे अगर बात करें तो कार्मिक प्रबंधन को प्रबंधन के उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी श्रम शक्ति की खरीद, विकास, रखरखाव और उपयोग के विभिन्न ऑपरेटिव कार्यों की योजना, आयोजन, निर्देशन, नियंत्रण से संबंधित हो।
और इस तरह से कंपनी के उद्देश्य सभी स्तरों पर और समुदाय के कवियों को प्राप्त किया जाता है वही कार्मिक प्रबंधन कहलाता है। अगर आप लोगों को यहाँ पे परिभाषा के रूप में ध्यान रखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। नॉर्थ कोट के अकॉर्डिंग बात अगर हम करें, CH नॉर्थ कोट है जिन्होंने कार्मिक प्रबंधन को परिभाषित करते हुए बोला है कि कार्मिक प्रबंधन सामान्य प्रबंधन का एक विस्तार है जो हर कर्मचारी को व्यवसाय के उद्देश्य में अपना पूरा योगदान देने के लिए प्रेरित और उत्तेजित करता है वही कार्मिक प्रबंधन कहलाता है। मानव संसाधनों के प्रबंधन को एक प्रणाली के रूप में देखा जाता है जिससे प्रतिभागी व्यक्तिगत और समूह दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं वही कार्मिक प्रबंधन कहलाता है। और ये परिभाषा डेल योडर के द्वारा कही गई थी। इसका उद्देश्य यही है, यह समझना है कि क्या हुआ और हो रहा है और मैनेजमेंट और प्रबंधित के बीच में जो कार्य संबंध है उसके क्षेत्रों के बारे में क्या होगा और क्या होगा के लिए तैयार करना जो है कार्मिक प्रबंधन का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे में मैं आपसे बताऊं सिंपल भाषा में, आप लोग उसको नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को पता हो जाए कि कार्मिक प्रबंधन की परिभाषा क्या होती है। एक विद्वान थे, उनका नाम था ब्रंच। अब इस ब्रंच महोदय ने एक परिभाषा देते हुए कहा है कि कार्मिक प्रबंधन जो है संगठनात्मक है। ठीक है, याद रखेंगे ये संगठनात्मक है। यहाँ पर व्यक्तिगत और ध्यान रखेंगे सामाजिक लक्ष्यों में, व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्यों में योगदान देने के उद्देश्य से लोगों की योजना, आयोजन, मुआवजा, एकीकरण और रखरखाव है वही क्या कहलाता है, कार्मिक प्रबंधन कहलाता है। आगे अगर हम बात करें तो और भी विद्वानों ने यहाँ पे परिभाषा लिखा है, परंतु मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लें, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कार्मिक प्रबंधन वह हिस्सा है, समझने का प्रयास करिए कार्मिक प्रबंधन क्या है, कि वह हिस्सा है जो मुख्य रूप से है ना, जो मुख्य रूप से संगठन के मानव संसाधन से संबंधित है वही कार्मिक प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, तो कार्मिक प्रबंधन में परिभाषा जैसे मैंने बताया कि कार्मिक प्रबंधन वह हिस्सा है जो मुख्य रूप से संगठन के मानव संसाधन से संबंधित हो वही कार्मिक प्रबंधन कहलाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मानव संसाधन कार्मिक प्रबंधन एक कर्मचारी कार्य है जिसका प्राथमिक भूमिका संगठन को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, तो कर्मियों के कार्यों का संचालन संगठन की व्यापक रणनीति या आप कह लीजिए कि नीतियों और संरचना पर निर्भर है। छोटी कंपनियों की तुलना में छोटी कंपनियों के पास विभिन्न कर्मियों की समस्याएं होती हैं, तो ऐसे में हम कार्मिक प्रबंधन की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, कार्मिक प्रबंधन में जैसे कि विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं वो भी आपके सत्य। जैसे अगर मैं बात करूँ माइकल जूलियस के अकॉर्डिंग, तो कार्मिक प्रशासन को इस प्रकार उन्होंने परिभाषित किया कि प्रबंधन का क्षेत्र जो श्रम बल की खरीद, विकास को बनाए रखने और उपयोग करने, विभिन्न ऑपरेटिंग कार्यों की योजना बनाना, आयोजन, निर्देशन और नियंत्रण के साथ करना होता है, जैसे उद्देश्यों जिसके लिए कंपनी की स्थापना की जाती है आर्थिक और प्रभावी रूप से। वहीं अगर बी की बात करें तो कर्मियों के स्तर के उद्देश्यों का उच्चतम संभव डिग्री तक पहुंचाना, या आप कह सकते हैं कि समुदाय के उद्देश्यों को विविध माना जाता है या उसको परोसा गया है, तो यह एक प्रकार का क्या कहलाता है, कार्मिक प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा हैं कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई थी परिभाषाएँ जो इम्पोर्टेंट भी बन सकती हैं। आगे बात करते हैं हम, यहाँ पर देखिए कार्मिक प्रबंधन के कार्य और उद्देश्य को लेकर। ठीक है, मैं आपको बता दूँ कार्मिक प्रबंधन के जो उद्देश्य बनाए गए हैं वो दो भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। ठीक है, इनके कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो ध्यान देने वाली बात यह कि एक तो आपका सामान्य उद्देश्य बनता है। ठीक है, वहीं अगर हम दूसरा बात करें तो सामान्य उद्देश्य के साथ साथ हमारे सामने एक आता है विशिष्ट उद्देश्य आता है, एक विशिष्ट उद्देश्य आता है। अब देखिए सामान्य उद्देश्य कार्मिक प्रबंधन के क्या हो सकते हैं, इसमें अगर मैं बात करूँ तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एक अधिकतम व्यक्तिगत का विकास करना पहला पॉइंट इसका बनता है। अधिकतम व्यक्तिगत विकास करना मतलब प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने में नियोक्ता हमेशा सावधान रहना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति में भिन्न होता है, इसलिए प्रबंधन को अपनी व्यक्तिगत क्षमता को पहचानना चाहिए और प्रभावी ढंग से ऐसी क्षमता का उपयोग करना चाहिए जहाँ पर लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। वहीं अगर हम बात करें दूसरी पॉइंट इसी के अंतर्गत आता है नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच एक वांछनीय
या हम बात कहें कि कामकाजी संबंध होना चाहिए, एक पॉजिटिव, मतलब कर्मचारी और कर्मचारियों के बीच एक वांछनीय कामकाजी संबंध रखने के लिए यह कर्मियों के प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है, ताकि वे प्रबंधन को सह संचालन कर सकें। इसलिए कहा जाता है कि नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच वांछनीय कामकाजी का संबंध होना चाहिए। एक आता है इसमें भौतिक संसाधनों के विपरीत मानव संसाधन होते हैं, जैसे मनुष्य उत्पादन का एकमात्र सक्रिय कारक है, और जो उत्पादन के अन्य कारकों का काम करने के लिए संलग्न करता है वही बेसिकली भौतिक संसाधनों के विपरीत मानव संसाधनों को प्रभावित भी कर सकता है। तो ये समान उद्देश्य के अंतर्गत तीन बातें आपको ध्यान रखना होगा। एक आता है विशिष्ट उद्देश्य। अब इसमें क्या होता है, सही प्रकार का चयन करना, संगठन के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या रखना, फिर संगठन और उनकी नौकरियों के लिए नए कर्मचारियों की शुरुआत करना, बेहतर नौकरी के प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं देना, बेहतर काम करने के लिए स्थितियों और चिकित्सा सुविधा जैसे अन्य सुविधाओं का प्रावधान की बात करना, संगठन छोड़ने वाले व्यक्ति की अच्छी छाप देना, ठीक है, कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना, ये क्या कहलाते हैं, ये विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं तो हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ पे कि कार्मिक प्रबंधन कार्यों का आम तौर पर नियोजन, आयोजन, स्टॉप, प्रेरित करना और पहलुओं को नियंत्रित करने में विभाजित किया गया है। इस तरीके से यहाँ पे उसके उद्देश्य बताए गए हैं। ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट रहेगा। आगे हम बात करेंगे कार्मिक प्रबंधन के सिद्धांतों को लेकर। तो कार्मिक प्रबंधन के कुछ सिद्धांत बताए गए हैं, जैसे कि आप सबको पता भी होगा। देखिए, पहला यहाँ पे दिया गया है अधिकतम, ठीक है, क्या दिया गया है, अधिकतम कार्मिक विकास का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है, इसमें कहा गया कि सिद्धांत के द्वारा श्रमिकों के अधिकतम सीमा तक विकसित करना चाहिए, ताकि उसको जो है उसकी क्षमता, चतुराई, उत्पादकता और दक्षता का उपयोग करके फर्म का उद्देश्य किया जो है उद्देश्य के लिए किया जा सके। वैज्ञानिक चयन का सिद्धांत होना चाहिए, यह सिद्धांत सही व्यक्ति को सही नौकरी के लिए सक्षम बनाता है। और उच्च मनोबल का सिद्धांत एक होता है, इसका मतलब होता है कि श्रमिकों को आदर्श मजदूरी नीति पेश की जानी चाहिए, ताकि उसका मनोबल ऊंचा हो और वो उसका रुचि के साथ काम कर सके। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हमने एक अधिकतम कर्म जो होता है उसका विकास का सिद्धांत होता है, एक वैज्ञानिक चयन का सिद्धांत होता है, एक उच्च मनोबल का सिद्धांत होता है, कार्मिक विकास के जो संगठन है उसी के अंतर्गत ये सिद्धांत है। चौथे नंबर पर आता है श्रम की गरिमा का सिद्धांत होता है, श्रम अपने काम पर गर्व महसूस करना चाहिए, ये आपका बनेगा। टीम भावना का सिद्धांत होता है, नत्ती श्रमिकों के टीम भावना का विकसित करना चाहिए और उन्हें सामूहिक रूप से सामूहिक जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए, और सहयोग, एकता और आपसी विश्वास की भावना भी होनी चाहिए इसमें। एक होता है प्रभावी संचार का सिद्धांत। तो इसमें प्रबंधन और श्रमिकों के बीच में प्रभावी संचार होना चाहिए, अन्यथा अविश्वास, घृणा, बीमार जैसी जटिल समस्याएं उत्पन्न होनी होगी, और जो बदले में संगठन के उत्पादन को भी प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, एक सिद्धांत श्रम की गरिमा का है, एक टीम भावना का है, एक प्रभावी संचार का भी सिद्धांत है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे एक संयुक्त प्रबंधन का सिद्धांत होता है। इसमें यह आपसी विश्वास और दोस्ती बढ़ाने के साथ श्रम की जिम्मेदारी पैदा करता है और श्रम संबंधों में सुधार करता है। निष्पक्ष पुरस्कार का सिद्धांत होता है, जहाँ पर श्रम को कार्य के उच्च मुआवजा दिया जाना चाहिए और औद्योगिक टुकड़ा भी विकसित होता है। और एक होता है मानव संसाधन के प्रभावी उपयोग का सिद्धांत। यहाँ इसका मतलब ये होता है कि मानव संसाधन के प्रभावी उपयोग के लिए कार्मिक प्रबंधन विकसित किया जाना चाहिए, और कर्मियों, जो कर्मी होते हैं, उन कर्मियों को उनके विकास के लिए उचित प्रशिक्षण भी प्रदान करना चाहिए। ये भी आपका क्या कहलाता है, मानव संसाधन के प्रभावी उपयोग का सिद्धांत कहलाता है। तो तीन यहाँ पर भी मिल गए, संयुक्त प्रबंधन का सिद्धांत एक, एक निष्पक्ष पुरस्कार का सिद्धांत और एक मानव संसाधन के प्रभावी उपयोग का सिद्धांत। ये कार्मिक प्रबंधन के सिद्धांत कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, यहाँ आपका कार्मिक प्रबंधन के जो पॉइंट थे ये हो गए समाप्त। याद रखेंगे, मैंने अभी अभी आप लोगों को कार्मिक प्रबंधन के बारे में बताया कि कार्मिक प्रबंधन होता क्या है, जहाँ कर्मचारियों की भर्ती और विकास करने के लिए एक प्रशासनिक अनुशासन, ताकि वे संगठन के लिए अधिक मूल्यवान हो सके, वही कार्मिक प्रबंधन है। और कार्मिक प्रबंधन के अंतर्गत मैंने आप लोगों को जो बताए हैं उसके उद्देश्य क्या होते हैं, कार्मिक प्रबंधन के मैनेजमेंट क्या हैं, तो ध्यान रखिएगा, एक तो अभी मैंने बताया नौकरी के विश्लेषण आयोजित करना, एक होता है कि नियोजन कर्मियों की जरूरतों और भर्ती पर बात करना, तीसरा होता है नौकरी के लिए सही लोगों का चयन करना, चौथा होता है उन्मुख और प्रशिक्षण देना, पांचवा होता है मजदूरी और वेतन निर्धारित करना और उसका मैनेजमेंट करना, छठा आपका होता है लाभ और प्रोत्साहन प्रदान करना, सातवां होता है मूल्यांकन और प्रदर्शन की बात करना, आठवां होता है विवादों को हल करना, और नौवां होता है सभी स्तरों पर सभी कर्मचारियों के साथ संवाद करना। ये इसके उद्देश्य बनते हैं।
तो उद्देश्य भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, वहीं जब मैंने बात किया कि इसकी परिभाषाओं के रूप में, तो आप बताना कि कार्मिक प्रबंधन का वह हिस्सा है जो मुख्य रूप से संगठन के मानव संसाधन से संबंधित है, वही कार्मिक प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, अब कार्मिक प्रबंधन के अंतर्गत मैंने जब परिभाषाओं की चर्चा करते हुए मैंने आप लोगों से उसके उद्देश्य बताए थे, तो वो दो बताए थे, एक सामान्य थे, बेसिकली ये भी उद्देश्य ही थे, और एक सामान्य उद्देश्य में आते थे और एक विशिष्ट उद्देश्य में आते थे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर मैंने कार्मिक प्रबंधन के सिद्धांत भी आप लोगों से चर्चा कर दिया है, इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि आप लोगों को समाज कार्य में कार्मिक प्रबंधन से संबंध में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को कमेंट के माध्यम से कार्मिक प्रबंधन को और समझाने का प्रयास भी करूँगा। ठीक है, परंतु मुझे नहीं लगता कि कार्मिक प्रबंधन में आप लोगों को कोई दिक्कत आने वाली है। संगठन में मानवीय संबंधों से संबंधित कार्मिक प्रबंधन कहलाता है। ऑर्गेनाइजेशन में मानवीय संबंधों से संबंधित कार्मिक प्रबंधन कहलाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे जो हमारी टॉपिक है वो है औद्योगिक प्रबंधन। ठीक है, औद्योगिक प्रबंधन कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि औद्योगिक संबंध, इसकी जो है मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप सभी लोग देखे रहिए, और क्लास आप लोगों की आज जो चलने वाली है, दिसंबर 2012 का समाज कार्य का प्रश्न पत्र चलेगा। यदि आप लोगों को समाज कार्य में ऑनलाइन क्लास लेना है, UGC नेट का या एम्स मेडिकल सोशल वर्क का PDF आपको लेना है, एम्स मेडिकल सोशल वर्क की PDF इस समय 999 रुपये में मिल रही है। हालांकि 999 रुपये में UGC की भी PDF मिल रही है, केवल PDF मिलेगी और वीडियो भी मिलेगा और उसके साथ साथ प्रैक्टिस मिलेगा, लेकिन आप लोगों को जून का सेशन और दिसंबर का सेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जून में नया पैटर्न या नए तरीके से PDF आपको मिलेगी, फिर दिसंबर में भी, ताकि वो आपका सही तरीके से एग्ज़ाम क्रैक हो सके और JRF आप प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो मैं इसके लिए जो फ़ीस रखा है, अगर किस्तों में जमा करेंगे तो 5000 फ़ीस है, 2500 रुपये करके, और अगर आप एक साथ में जमा करना चाहेंगे फ़ीस, तो 4000 रुपये करके आप जमा कर सकते हैं, जिससे आपको जून और दिसंबर दोनों परीक्षाओं में आप बैठ सकेंगे, और आपको PDF एवरीडे लाइव क्लासेस आपको मिलेगी डेली, और मॉक टेस्ट रहेंगे, PYQ रहेगा, और यूनिट वाइज आपको टॉपिक भी रहेगा और यूनिट वाइज आपका मॉक टेस्ट भी रहेगा। ठीक है, और अधिक जानकारी अगर आपको लेनी है तो 8506031308 पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही।